ज्योतिष संबंधित नई जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें शुक्ला ज्योतिष केंद्र। नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल बटन घंटी को दबाएं। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। मैं पंडित लाल बहादुर शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का हमारा ज्योतिष का विषय है, करेगा आपकी धन की मनोकामना पूरी और होंगे आपके पूरे काम। जैसा कि मित्रों, ज्योतिष से संबंधित विचारों में नए नए विचार लेकर के मैं शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों के सामने उपस्थित होता हूं। आज अपने शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से धन की मनोकामना और अपने कार्य व्यवसाय, अपने किसी प्रकार के भी, आपको अगर मान लो कानून से संबंधित या किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप हमारे बताए गए टोटके और उपाय से इस उपाय को करके उस परेशानी से निकल सकते हैं। आपको इसके लिए सर्वप्रथम मंगलवार के दिन, शुक्ल पक्ष का मंगलवार हो जो अमावस्या के बाद आता है, उस मंगलवार को, शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन जाकर के सुबह स्नान आदि से पवित्र होकर जाएं, साफ वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र पहन करके, और पीपल के पेड़ के पास जाकर के अपने जूतिया चप्पल उतार दें और हाथ जोड़ करके प्रणाम करके और आज्ञा लें कि हे वृक्षराज, हे सभी देवों के देव वृक्षराज, आप सभी प्रकार की संपूर्ण शक्तियों से विभूषित हैं, आप पर सभी शक्तियों का वास है, ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवी देवता आप में वास करते हैं, आप हमेशा जीवन में सुरक्षा और जीवन में मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं, मैं अपनी मनोकामना पूर्ण हितार्थ आपको आपके वृक्ष के पत्तों को लेने का आपसे आदेश लेता हूँ, कृपया मुझे आप अपने पत्ते लेने के लिए अनुमति प्रदान करें, अर्थात मुझे जिस प्रकार आपने शब्दों से प्रार्थना करनी है पीपल की कर दें। हाथ में थोड़ा सा मिष्ठान अवश्य ले जाएं, चीनी भी हो सकती है, मिश्री भी हो सकती है, गुड़ भी हो सकता है या कोई फल इत्यादि वहां डाल करके, जल भी थोड़ा सा वहां पर डालकर पीपल की परिक्रमा करने के पश्चात पीपल के 22 पत्तों को तोड़ लें। उन पत्तों को एक एक करके तोड़ करके उसके बाद घर आकर के उनको जल से धो लें। धोने के पश्चात नीचे आसन बिछा करके बैठ जाएं, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, और पूर्व दिशा अर्थात ईस्ट की तरह, अंग्रेजी में ईस्ट बोलते हैं, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके चढ़ते पासे में बोलते हैं, इस तरीके से इस दिशा में अपने मुख को करके उस तरफ दिशा में पूर्व दिशा की ओर बैठ जाएं और सभी पत्तों पर राम राम लिखें, हर पत्तों पर राम लिखें, अर्थात ये ध्यान रखें कि राम राम नहीं केवल राम, अर्थात 22 पत्तों पर सभी पर राम और राम, इस तरीके से हर पत्ते पर राम लिख करके, और लिखने के लिए आप स्वच्छ सिंदूर या एक गोलोचन आती है दुकान से, अगर आपको मिल जाती है, गोलोचन को पानी में घोल कर या सिंदूर को पानी में घोल करके, या अष्टगंध की स्याही भी सिंदूर में अगर गोलोचन में डाल लेते हैं तो अति उत्तम है, ये आपको पंसारी की दुकान से प्राप्त हो जाएगी। और लिखने के लिए आप प्रयोग करें या तो अनार की कलम का भी प्रयोग कर सकते हैं, या आप किसी ऐसे चमेली की कलम से ही प्रयोग कर सकते हैं, या अनार की कलम का प्रयोग करें। इसके पश्चात आप उन 22 पत्तों को हनुमान जी का मंदिर, जहां पर हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति हुई हो, उन पत्तों को वहां पर चढ़ा दें और अपनी जो मनोकामना है उसके लिए प्रार्थना करें। आप देखेंगे कि आपके इस किए गए उपाय से आप इस कार्य को 5 मंगलवार अवश्य करें, शुक्ल पक्ष से शुरू करके आगे के जो मंगलवार है वो कृष्ण पक्ष में भी आए तो कोई फर्क नहीं, लेकिन आपको इस कार्य को प्रारंभ करने के लिए शुक्ल पक्ष का अर्थात चांदनी मंगलवार का दिन का चुनाव करना होगा। इस तरीके से आप इस बताए गए टोटके और उपाय से अपने जीवन में होने वाली समस्या, अपनी मनोकामना या किसी प्रकार के भी कार्य के लिए जो आपके जीवन के प्रगति से, आपकी तरक्की से, विद्या से, या किसी के अच्छी भावना से संबंधित हो, इस उपाय को, इस टोटके को करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा बताया हुआ ज्योतिष उपाय आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।